आज हम आपको रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद क्योंकि हमको अब नया चैप्टर चालू करना है तो हम नया चैप्टर जो है आपके टेस्ट के बाद आपको पढ़ा देंगे। अब हम आज एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पेपर तो आपको जैसा पिछले टेस्ट में आया था वैसे ही आएगा, है ना। तो उसमें 5 जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 5 मिस द कॉलम आएगा, 5 ट्रू फॉल्स आएंगे, 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और दो दो तीन तीन नंबर के जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हमको सबसे पहले आप अगर पहले भी आपने अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर बनने लगेंगे, है ना। ये जीवन परिचय आपको पढ़ना है ना, मनोहर चामोली का। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका जीने दो सबको, और इसके लेखक है मनोहर चामोली मन। अब देखिए इसमें आओ करें एक करना है आपको, उचित विकल्प का सही अंकन चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन मांसाहारी जीव नहीं है, नीला, शेर, चूहा, बिल्ली, तो चूहा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, माघ में कौन आराम कर रहा था, चूहा, नीला, बिल्ली, शेर, तो शेर कर रहा था, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पेड़ पर कौन बैठा था, बंदर, लंगूर, तोता, नीला, तो लंगूर बैठा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सांप का शत्रु कौन है, चूहा, नीवला, शेर, लंगूर, तो नीवला, है ना। फिर किसके ना रहने पर जो है उत्पात मचाने लगे, बिल्ली, लंगूर, नीवला, सांप, तो सांप के, है ना। फिर अगला है किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हम दूध नहीं पिएंगे तो क्या घास खाएंगे, किसने कहा, बिल्ली ने शेर से, ठीक। कब कहा, जब शेर बिल्ली से पूछता है कि तुमने बिना पूछे मेरा दूध कैसे पी लिया, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है देखो, हुजूर हम मांसाहारी जो है कहाँ जाएंगे, नेवले ने शेर से कहा, ठीक। जब उसने सारे नेवलों को जंगल छोड़कर जाने का आदेश दिया, है ना। अब अगला क्वेश्चन है जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ये किसने कहा, लंगूर ने कहा, शेर से कहा। कब कहा, जब वह चूहों से परेशान होने के बाद जंगल छोड़कर भाग रहा था, है ना, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है देखो, सबको वापस बुलाने, अभी मैं जाकर उनको बुलाकर लाता हूँ, ठीक। तो ये बात शेर ने लंगूर से कही, कब कही, जब उसके समझाने के बाद शेर दोबारा भागने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि शेर अब क्यों भाग रहा है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आओ करें 3, शेर को बिल्ली की किस बात पर गुस्सा आया, है ना। तो आंसर लिखेंगे शेर को बिल्ली की इस बात पर गुस्सा आया कि उससे बिना पूछे दूध कैसे पी लिया, है ना। तथा बिल्ली ने मजाक में कह दिया कि मुंह से पी लिया, ठीक है, हम जैसे घर में बोल देते हैं ना कभी कभी। ये अगला क्वेश्चन है, नीले ने शेर से क्या विनती की, तो नीले ने शेर से विनती की कि वे सब मांसाहारी जीव हैं, वे कहां जाएंगे, है ना, ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सांप ने शेर की बात का क्या उत्तर दिया, तो सांप ने शेर की बात का उत्तर दिया कि हम कहां जाएं, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहों ने शेर को कैसे परेशान कर दिया, उसे भगाना पड़ा, है ना, तो कि उसे भगाना पड़ा, तो चूहे ने शेर को इस प्रकार परेशान कर दिया कि क्योंकि शेर ने एक क्योंकि उसकी मां ने चूहे दिन हो या रात धमा चौकड़ी मचाने लगे और कुछ ना कुछ उतरने लगे, अब उसके पास भी धूम मचाने के अलावा कुछ नहीं बचा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है देखिए, लंगूर ने क्यों कहा कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना, इसलिए कहा, लंगूर ने इसलिए कहा कि जैसा बोगे वैसा काटोगे क्योंकि शेर ने एक एक कर सभी जानवरों को जंगल से भगा दिया था, जिस कारण चूहों की संख्या बढ़ गई। अब अगला क्वेश्चन है देखिए, आओ करें 4, जीने दो सबको, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो जीने दो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि इस संसार में सबका अस्तित्व है, है ना, एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, एक दूसरे की जरूरत हमको पड़ती है। अब देखिए आओ करें 5, है ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता देते हैं हम इसको। जैसे इसमें लिखा, ओ कितनी खूबसूरत चित्रकारी है, ये कौन सा वाक्य है, आश्चर्य, खुशी का, है ना। सेकंड क्वेश्चन, वाह मेरा उपहार आ गया, ये भी आश्चर्य खुशी का, है ना। फिर हाय निशांत को चोट लग गई, ये शोक। फिर अगला है, खबरदार वहां पानी भरा है, ये चेतावनी, ठीक। फिर छी छी यहाँ कितनी गंदगी, ये क्या है, घृणा। फिर अगला क्वेश्चन है, जी हाँ मैंने काम कर लिया, ये खुशी और विश्वास। फिर अगला क्वेश्चन है, अरे अकेले बाहर मत जाओ, ये चेतावनी या डर। फिर अगला है, वाह हम जीत गए, ये खुशी। अब देखिए आओ करें 6, इसमें पहले में आएगा छी कितना कीचड़, सेकंड में आएगा अरे सब चले गए, फिर
थर्ड में आएगा वाह कितना बड़ा शहर। फिर अगला क्वेश्चन छी कितनी दुर्गंध आ रही है ना, यानी कि जहां पर गंदी दुर्गंध यानी कि दुर्गंध आती है वहां पर छी लगाया जाता है। फिर शाबाश, इस प्रकार उन्नति करते रहो, उन्नति विकास जो रहेगा उसमें शाबाश। फिर उफ यह चाय बहुत गर्म है। फिर अगला क्वेश्चन अरे यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, है ना। अब देखते हैं अपन, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको बता दे रहे हैं, है ना। फिर देखिए सातवें नंबर का, आओ करे साफ वृक्ष से, तो ये संबंध कारक गलत। मेज पर दूध का गिलास है ये सही। अलका ने प्रतियोगिता जीत ली ये गलत है, कर्म कारक नहीं है। मीरा ने गीत गाया ये भी गलत है, अपादान कारक नहीं है। बंदर छत पर बैठा है ये सही है, है ना, क्योंकि पर अधिकरण में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन ए अरे अव। ये आपको ऐसा जैसे हमको पता है वैसे आपको ये भी याद करना पड़ेगा। फिर है अरे गीता क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया ये सही है। रंजित गेंद से खेल रहा है ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है देखो आओ कर यार, अंजू ने घर साफ किया कर्ता कारक, बच्चा खिलौने से खेल रहा है करण कारक, मीना ने साक्षी को पत्र लिखा कर्म कारक, रवि सांप से डर गया अपादान कारक, यह पूजा का घर है संबंध कारक, कमला घर में छिपी है अधिकरण कारक, घड़ी पर कौवा बैठा है अधिकरण कारक, कबूतर पेड़ से उड़ गया अलग होने का भाव अपादान कारक, बढ़ई आरी से लकड़ी काटता है कर्म कारक, अरे सूरज कक्षा में जाओ संबोधन कारक, है ना। ये हो गया, अब आओ करें नौ। ठीक, अब इसमें देखिए दिए गए वाक्यों का उचित कारक से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले सोहन बस से स्कूल जाता है करण कारक, माँ बच्चे के लिए खिलौने लेकर आई संप्रदान कारक, विनोद सभी बच्चों को बुला रहा है कर्म कारक, अरे यह किसकी किताब है संबोधन कारक, है ना। कल बबीता की शादी है संबंध कारक, ही राजन तुमने बहुत देर कर दी, फिर ये क्या हो गया संबोधन कारक, ही राजन अरे ये सब संबोधन में आएंगे। विजय आकाश से छोटा है अपादान कारक, ये सोहन का घर है संबंध कारक, है ना। ये हो गया, अब देखिए चैप्टर नंबर टू निकालिए, इसको भी आपको सबसे पहले पूरा पढ़ना है। ये क्या है, एक कविता है और इसके कवि कौन है मैत्री शरण गुप्त। एक बार ये कविता पूरी आपको अच्छे से पढ़ना है, मीनिंग भी आपको याद करना है और मैत्री शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपको पढ़ना है। जैसे राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 मतलब 1886 में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण भी कवि थे, इस तरह इन्हें कविता विरासत में मिली। इनकी शिक्षा पर घर पर ही हुई। ये महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए थे, इन्होंने उनके आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जेल भी गए। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इनका स्वर्गवास 12 दिसंबर 1964 को हुआ था और इनकी रचनाएं हैं पंचवटी, भारत भारती, नमूस, यशोधरा। ठीक, अब देखिए आओ करें एक, उचित विकल्प का उचित सही का निशान लगाइए। सबसे पहले क्वेश्चन है बालक अपनी माँ से क्या सुनना चाहता है, तो कहानी, है ना। बाण से घायल होकर कौन गिरा, हंस। उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था, पिता। कौन घायल पक्षी को मांग रहा था, शिकारी, है ना। कविता में राहुल कौन है, बेटा। फिर उपवन की शोभा कैसी थी, यानी उपवन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ से तैयार करना पड़ा, वर्णमान के फूल खिले थे, हिमबिंदु झिलमिले थे, है ना। फिर माँ ने बालक को हटी क्यों कहा है, माँ ने बालक को हटी इसलिए कहा है क्योंकि वह कहानी सुनाने की हट कर रहा था, हट मतलब जिद। फिर पिता जब बाग में टहल रहे थे तब अचानक क्या हुआ, तो पिता जब बाग में टहल रहे थे तब अचानक हंस आकर गिरा। फिर अगला क्वेश्चन है शिकारी और बालक के पिता में विवाद क्यों बढ़ा, तो आंसर रहेगा शिकारी हंस पर अपना अधिकार करना जमा रहा था तथा बालक के पिता उसकी रक्षा करना चाह रहे थे, इसलिए दोनों के बीच में विवाद या झगड़ा हो गया या बढ़ा। फिर अगला क्वेश्चन है कहानी को करुणा भरी क्यों कहा गया, तो कहानी को करुणा भरी इसलिए कहा गया क्योंकि हंस घायल था, वह हंस उस समय करुणा और दया का पात्र था, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आओ करें तीन, प्रस्तुत कविता में पक्षी किसको दिया जाना चाहिए था और क्यों, तो प्रस्तुत कविता में पक्षी बच्चे के पिता को दिया जाना था क्योंकि उन्होंने उसकी पक्षी की रक्षा की, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है माँ का एक कहानी कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो माँ का एक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीव को क्योंकि रक्षा और न्याय की जीव की रक्षा करना चाहिए और उसे हमें न्याय की शिक्षा मिलती है। तो देखिए ये आपका इसमें थोड़ा छोटा चैप्टर है ना। अब यहाँ पर बोलता है तुकांत आओ करे चार,
कि दुकान शब्दों पर बोला लगाइए, तो जिसमें लास्ट वाला रहेगा बोली खोली आई मिलाई निहाल लाल, इधर पीछे पुचकारा हमारा देते हैं रसाल लाल, है ना। अब यहाँ पर चिट्ठी है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, फिर इसमें दुख की बात है कितने दिन कितनी ही रातें, है ना, लिखा उन्होंने प्यारी चिट्ठी। फिर अगला है घने घने अक्षर दिखते हैं, ठीक, ये इस प्रकार आओ पर पांच भी पूरा हो गया। हाँ, एक बार फिर फर्स्ट चैप्टर का हमने जीवन परीक्षा आपको नहीं बताया था, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। मनोहर जामोली मनु, ये युवा लेखक मनोहर जामोली मनु भाषा शिक्षक है, यानी हिंदी के शिक्षक है। ये टिहरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बाल साहित्य से संबंधित सराहनीय कार्य किया। क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाल साहित्य से संबंधित सराहनीय कार्य किसने किया, तो मनोहर जामोली का नाम आएगा, है ना। तो अंदर से भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अब देखिए, इन्हें बाल मनोविज्ञान की गहरी समझ है। इनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी रचनाओं का अनुवाद मराठी भाषा में भी हो चुका है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें अंतरिक्ष के आगे बचपन और जीवन में बचपन प्रमुख। इन्हें साक्षरता सम्मान और पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन रहेगा साक्षरता सम्मान और प्रताप नारायण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें मनोहर जामुनी का नाम रहेगा, तो हम उसको टिक कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड चैप्टर आपका अतजल बदल गया, ये कहानी है ना, और इसके लेखक है। इसमें देखिए लेखक का जीवन परिचय हमको सबसे पहले पढ़ना, पहले इसकी कहानी एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर देखिए, है ना। अब देखिए इसमें पत्रकार लेखक दार्शनिक इसाक बेस्विस सिंगर का जन्म 21 नवंबर 1902 को पोलैंड में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा वारसा के धार्मिक विद्यालय में हुई, बाद में ये अमेरिका में जा बस गए। इनको वर्ष 1978 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने ज्यादातर लघु कहानियां लिखी। इनकी कहानियों में शिक्षा के साथ साथ दार्शनिकता का कूट है। ये यहूदी साहित्य लेखन में अग्रणी स्थान प्राप्त है। इनकी मृत्यु अमेरिका के फ्लोरिडा में 24 जुलाई 1991 मतलब 1991 को, इसके लेखक का नाम है इसाक बेस्विस सिंगर, ठीक। अब देखिए आओ करें एक में कादिस और अतजल में क्या रिश्ता था पिता पुत्र का, है ना। सेकंड क्वेश्चन अतजल का स्वभाव कैसा था, आईसी था अतजल। फिर अगला अतजल को कैसा खाना मिलता था, केवल मीठा खाना। डॉक्टर योक्स कौन थे, मशहूर चिकित्सक। फिर अतजल को खाने में कैसी चीज दी गई, मीठी और स्वादिष्ट, है ना। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, फर्स्ट में अतजल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर योक्स के आदेशानुसार एक कमरे को सुंदर ढंग से सजाया गया। अगला क्वेश्चन है फरिश्ते ने कहा यह स्वर्गलोक है, यहाँ समय नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन अतजल को अपनी माँ का दुखी चेहरा याद आया। फिर अतजल अपनी खालिस्तान से लिपट गया माँ से, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए अतजल कैसा लड़का था, आलसी, है ना। अतजल कहाँ जाना चाहता था, स्वर्ग में। अतजल की कैसी बातों से घर वाले दुखी थे, बहकी बहकी बातों से, है ना। पूरा आंसर लिखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है देवदूत की किस बात को सुनकर अतजल रो पड़ा, तो देवदूत ने कहा कि उनके माता पिता को यहाँ आने में काफी समय लगेगा, इस बात को सुनकर अतजल रो पड़ा। फिर अतजल की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई, तो यहाँ कोई आ जा नहीं सकता और जो जहाँ है वही रहता है, ये सुनकर अतजल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर अगला क्वेश्चन देखो अतजल बदल गया पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो अतजल पाठ बदल गया इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और हमारे जो माता पिता कहते हैं उनका कहना हमें मानना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो यदि आपको प्रतिदिन खाने में मीठी चीज ही मिले तो आपको कैसा लगेगा, तो क्या होगा कि अगर हमको मीठी चीज या कोई भी एक ही चीज मिले वही वही रोज खाने, तो क्या होगा उससे हम ऊब जाएंगे, है ना। फिर देखिए आओ करें पांच रातों रात रात ही रात में, है ना। दिए गए समस्त पद और समास विग्रह का मिलान करना, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, यमुना तट यमुना का तट, आत्मविश्वास अपने पर विश्वास, महापुरुष महान है जो पुरुष, सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह, विषधर विष को धारण करने वाला, माता पिता माता और पिता। फिर अगला देखिए आओ करें छह चार रावों का समाहार चौराहा, खूबी के साथ बखूबी, हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखे, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, पाठ के लिए साला पाठशाला, कमल जैसे कर कमल, दीनों का नाथ दीनानाथ,
अपने पर भी थी, आप भी थी, हो गया ये। अब इसी को अपने को मिलाना, चौराहा से मिला लेना, बखूबी से, पाठशाला, सत्याग्रह, हस्तलिखित, आप भी थी, कर कमल, दीना, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए विराम चिन्ह में अगला क्वेश्चन, आओ करे साथ में, विराम चिन्ह का अर्थ समान, ये रॉन्ग होगा। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, ये सही होगा। किसी शब्द, अगला क्वेश्चन, किसी शब्द में वाक्य में छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सही। शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, गलत। किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए इखारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता, गलत, है ना। अब देखिए विराम चिन्हों के नाम, ये इखारा उद्धरण चिन्ह, सेकंड में पूर्ण विराम, थर्ड में प्रश्नवाचक चिन्ह, फोर्थ में विस्मय बोधक चिन्ह, फिफ्थ में विवरण चिन्ह, फिर अगला है योजक चिन्ह, फिर निर्देशक चिन्ह, फिर अल्प विराम, कोष्टक चिन्ह, अर्ध विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह, है ना। अब इसको इससे मिलाना है, आओ करें दस में, गंगा हिमालय से मिलती है, पूर्ण विराम, सालू मेघा, अल्प विराम, ओ विस्मय सूचक, मेहनत करो, अर्ध विराम, है ना। फिर क्या आपने ग्रहकार पूरा कर लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, विजय एम ए पास है, लाघव चिन्ह। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में अजय कहाँ गया, कोई भी अपन बना सकते हैं, अजय कहाँ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। हंसपद में कि जैसे ऊपर छूट जाता है लिखते हैं वैसा करना, योजक चिन्ह में वो दिन रात डस लगा है ना, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, छी कितनी बार बोलो, छी के बाद विस्मय सूचक। इस प्रकार से आपको पूरे तीनों चैप्टर की तैयारी करना है। मेरी बारी जो है, इसके क्वेश्चन आप लोग अपने से तैयार करेंगे, इसके भी जितने क्वेश्चन हमने करवाए मेरी बारी के आप लोग कर लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, है ना। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा हम समाप्त कर रहे हैं।